इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर दिनेश लांजेवार, चक्रपाणी पंचकर्म योग निसर्ग उपचार महाविद्यालय और उपचार केंद्र नागपुर। ओबीसी समाज का स्थानिक संस्थाओं में अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने के बाद भाजपा ने राज्य भर में चक्का जाम आंदोलन किया। नागपुर के वैरायटी चौक पर भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, जहां हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। ओबीसी के स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में जो आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने के बाद आज भाजपा आक्रामक हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार अपनी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट या मजबूत तरीके से नहीं रखी, उसी के कारण यह जो है राजनीतिक आरक्षण समाप्त हुआ है। उसके विरोध में आज नागपुर में जो है बर्डी वैरायटी चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो है बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र राज्य का और फिलहाल विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता है, वो उनके नेतृत्व में फिलहाल नागपुर में आंदोलन किया जा रहा है। वहीं बावन कुड़े जो ऊर्जा मंत्री थे वो आंदोलन में शामिल हुए। नागपुर के जो बड़े तमाम बड़े नेतागण हैं वो यहाँ पे आंदोलन में शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है रास्ता बंद किया गया है। चारों ओर तरफ जो भीड़ भाड़ का एरिया नागपुर का वो पूरी तरह से बंद किया गया है। नागपुर में जो कार्यकर्ता है बीजेपी कार्यकर्ता वो भी मौजूद है यहाँ पे। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं बात करते। बड़े पैमाने पर जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। कोई बात करना चाहेगा? आंदोलन कर रहे हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो? ओबीसी आघाड़ी का दो है, इन्होंने आरक्षण हमारा कम किया है। हमने पिटीशन भी डाले थे उसमें कि आरक्षण वापस आना चाहिए देवेंद्र जी के राज्य में। ये उन्होंने इस आरक्षण को लेके आए थे और महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसको वापस से रद्द कर दिया। आरक्षण रद्द हुआ है? ओबीसी आरक्षण। किस चीज का आरक्षण? हाँ, 70% आरक्षण हमारा रद्द हुआ। किस चीज का आरक्षण था? ओबीसी साठी जे आरक्षण देण्यात आलो होतं ते आरक्षण कॅन्सल करण्यात आलं आहे। त्याच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी ला सपोर्ट करण्यासाठी इथे आली आहे। आरक्षण वापस मिळालं पाहिजे ही आमची इच्छा आहे। क्या आरक्षण? बात करने देंगे थोड़ा सा। क्या कितना परसेंट आरक्षण था, कितना रद्द? 50% च्या वरती आरक्षण गेलं होतं, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याला नाही म्हटलं, पण राजकीय कारणाने हे आरक्षण कॅन्सल करण्यात आलेलं आहे। आणि हे आरक्षण आम्हाला मिळालंच पाहिजे, जेवढं जमते जास्तीत जास्त जमते आमच्या ओबीसी भाव बंधूंना मिळालंच पाहिजे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया है। हो गया, मत आप कांग्रेस वालों ने भेजा है क्या?